हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल अन्नपूर्णा किचन। आज हम क्रिस्पी वेज गोल्ड कॉइन बनाएंगे। आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। कोई भी छोटी कटोरी हो या कोई भी ढक्कन हो, इसे अब हम ऐसे इस तरह से हम सारे बना लेंगे। अब मैंने ये सारे रेडी कर लिए हैं और जो ब्रेड बचा है उससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब यहाँ मैंने 4 बॉइल्ड आलू लिए हैं, इसे कद्दूकस कर लिया है। अब इसके अंदर सारे मसाले कर लेते हैं। 1 प्याज लिया है मैंने, ये ग्रीन चिली है, अदरक, गाजर लिया है, बॉइल्ड कॉर्न लिया है। स्वाद अनुसार यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच सोया सॉस, आधा ये नींबू है, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार चाट मसाला, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे धनिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने नॉनस्टिक पैन ले लिया है, पहले इसे हम ग्रीस कर लेंगे। अब ये जो हमने छोटे छोटे कॉइन्स बनाए हैं इसे टोस्ट कर लेंगे, इसे हम क्रिस्पी कर लेंगे। अब ये हो चुके, गैस बंद कर लेंगे। ये जो हम स्टफ करने वाले हैं वो मसाला रेडी है और यहाँ हमने जो ये टोस्ट बनाए थे ये भी रेडी है। अब हम एक टोस्ट लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से सारे टोस्ट हम रेडी कर लेंगे। मैंने ये सारे रेडी कर लिए हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी में तिल लिया है। अब एक ऐसे ये उठा के इसको इस तरह से तिल लगा लेंगे, सारे इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। वापस तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन ब्रेड है तो ऑयल बहुत ही सोक करेगा। मैंने एक स्लरी बना ली है, 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था और पानी डाल के ये स्लरी बना ली है। अभी हमें ये पूरा डीप नहीं करना है, सिर्फ ऊपर का जो पोर्शन है, ब्रेड नहीं डीप करना है, ये जो ऊपर का पोर्शन है इस तरह से डीप करके हम इस तरह से रख देंगे पैन पे, इस तरह से क्रिस्पी कर लेंगे। क्रिस्पी गोल्ड वेज कॉइन रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरिओम।